हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। आज आप सबके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो के फिनिश होने के बाद आप पार्ट वन ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे वह SSC MTS का एग्ज़ाम हो या फिर SSC CGL का एग्ज़ाम। जो बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास बना हुआ है। ये क्वेश्चंस आप सभी पेन डाउन करेंगे अगर आपको नहीं आते हैं तो। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आप चाहें तो पार्ट वन ना देखें, लेकिन पहले अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें एक बार, देखें कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको किस पैटर्न पे स्टडी करनी है, आप किस पैटर्न को लेकर के सुटेबल हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि SSC CGL का नोटिफिकेशन आ गया है जैसे कि आप सबको पता होगा। फॉर्म जो फिल करने की डेट है वो आपका मई से स्टार्ट हो जाएगा और जून तक चलेगा, और टायर वन की जो डेट है 1 अगस्त से 20 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम रहेगा, और टायर टू का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 10 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में। 16 मई जैसे ही फॉर्म निकलेगा आप वो फॉर्म फिल कर देना। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपकी एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना और तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ लग जाना। चलिए बच्चों, बात बहुत अधिक हुई, शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। एक बात और कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कहता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? 7वीं सदी में। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत में अभी कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तिकरण से संबंधित है। मॉस्ट्रिच संधि यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। खोरदाद साल पारसियों का उत्सव है। ये जो उत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको चार ऑप्शन देगा, हिंदू, मुस्लिम, पारसी और कोई अदर रिलीजन्स। तो आपको याद रखना है ये जो उत्सव है ये है आपका पारसियों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली समिट बैठक कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में। क्षेत्रफल के आधार पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लॉयड बैराज पाकिस्तान में स्थित है। सबसे बड़ी सिंचाई योजना कौन सी है? लॉयड बैराज। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद। रक्षा सेवाएं स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? वेलिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? बात आपसे ये करेगा एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा। तो दोनों तरह से आप क्वेश्चंस को बना के देखिए, रीड करके देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये स्किल्स आप डेवलप करिए, पढ़ने में मजा आएगा। कांग्रेस ने गोलमेज के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था
और दूसरी बैठक में ही महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर दोनों एक साथ गए थे लंदन में गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 को, ये पूछ लेता है। सेकंड हुआ 1931 को, थर्ड हुआ 1932 को। भारत से सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो किसको करते हैं, कौन से देश को करते हैं? अमेरिका को। भारत में सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका देश से होता है। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। सूचना आयोग का प्रयोग सबसे पहले कौन से स्टेट में हुआ था? ये हुआ था आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका मतलब रिट्स जारी करता है। टोटल रिट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल 5। हमसे पूछता है रिट्स की टोटल संख्या कितनी है, कौन जारी करता है, ये बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, लेकिन रिट्स की टोटल संख्या कितनी है, वो है 5। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की थी। कौन सी योजना के अंतर्गत पंचायती राज स्टार्ट करने की सिफारिश करी गई थी? ये थी आपकी सेकंड मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग करा जा सकता है। लोकसभा को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भंग करा जा सकता है? इसका राइट आंसर है 85। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संविधान नागालैंड राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। एरियाना अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। पंचायती राज का सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। सामूहिक विकास कार्यक्रमों का श्री गणेश किसने करा था? बलवंत राय मेहता ने। 7वीं अनुसूची संघीय राज्य तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करती है। कौन सी सूची? 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में डिवाइड करा गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संशोधन द्वारा किया गया। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। और सबसे अधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। 3 जनवरी सबसे कम, 4 जुलाई सबसे अधिक। किस किस के बीच की दूरी की बात कर रहा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। ठीक है, ढोल ड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कौन सी होती है? भूमध्य रेखा के निकट। लाल सागर एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है। आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समय वाले के स्थानों को मिलाने वाली समान रेखाएं होती हैं। अधिकतर भारतीयों का संबंध किससे होता है? कॉकेसाइडस समूह से। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? रूस में। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। रूट नॉट टमाटर की एक बीमारी का नाम होता है। टमाटर में कौन सी बीमारी पाई जाती है? आपको 4 ऑप्शन देगा, बट राइट आंसर आपका क्या होगा? रूट नॉट। कुंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। भारत में एसटीडी सेवा कब से स्टार्ट हुई थी? 1960 में। नगरीटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। सबसे पुराना निवासी भारत का कौन सा है? नेग्रिटो। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये जो उपाधि दी थी शिवाजी को, ये दी थी औरंगजेब ने। हिमालय नवीन वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल है। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल पद से विभूषित किया गया। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन से एक्ट के अंतर्गत? ये आपका एक्ट था 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को। भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार का हनन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ पे जा सकता है? उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। 226 जो बना है अनुच्छेद, वो बना है उच्च न्यायालय के लिए, और अनुच्छेद 32 जो बना है, ये बना है आपका सर्वोच्च न्यायालय के लिए। अगर नागरिक का मूल अधिकार का हनन होता है, तब अगर हनन होगा तो 32 जो संबंधित है वो याचिका दायर करेगा, अपील करेगा कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। अगर वो अनुच्छेद 226 का इस्तेमाल करता है तो समझ जाओ कि वो उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर रहा है। चलिए, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पर है? यह है सेंट कैथेड्रल। कहाँ पर है ये? यह है आपका गोवा में। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? यकृत। ग्रांड एंटीकेट नहर कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपातकाल के समय स्वतंत्रता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। यह आर्टिकल है 19। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बागर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुराने की बात करें तो बागर, नई की बात करें तो खादर। रोल्ड गोल्ड तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है। रूस में सबसे अधिक 11 समय क्षेत्र हैं। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918। पूछे आपसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर में हुई थी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कब हुई थी? ये हुई थी 1969 में अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। इस क्वेश्चन को अगेन मैं रिपीट करूंगा एक बार। देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो था, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। और ये कॉर्बेट पार्क कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सेजम। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। कौन से एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया? ये था हमारा एक्ट 1773। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो के माध्यम से मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ जल्द एक नए पाठ के साथ में। धन्यवाद।